नमस्कार, मैं हूं सुमित नायक। आप देख रहे हैं सुमित नायक स्टार न्यूज। दोस्तों, हम अक्सर अनार का जूस, हमारे बीमार फैमिली में कोई भी बीमार व्यक्ति हो जाता है तो उनको डॉक्टर अनार के जूस की सलाह देता है। तो आज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये जो अनार का जूस बेचते हैं वो ठेली पर आपकी सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखिए यह वीडियो। देखो भाई, तुमने एक नई चीज देखा हूँ माजे। एक जूस की दुकान थी मुंडका में, मैं इसके अंदर आ गया देखने के लिए कि कैसे क्या कुछ है। यहाँ पर मिली एक नई चीज, अजंता रेस्पबेरी सिंथेटिक फूड कलर। ठीक है भाई, मैंने ट्राई करके देख लिया था पहले, दोबारा एक प्रैक्टिकल दिखाऊं तुमने। इसमें हमने थोड़ा सा हाथ पे लिया, थोड़ा सा रंग लिया है, इसको इसके अंदर डाला, डल गया भाई। लो भाई, ये बन गया हमारा अनार का जूस। अब इसको क्या करना है, ये जो पतीला इस भाई ने ले रखा है, इस पतीले में यह रंग ऐसे घोलना है और इसमें थोड़ा सा अनार के दो चार दाने पर लोगों को दिखाने के लिए जैसे दे पड़े हैं ऐसे डाल दिए। ठीक है, हो गया। अब जैसे क्लाइंट आता है, भाई अनार दो, अनार का जूस दे भाई, लड़के ने क्या किया, वहां से इसमें इस मशीन में डाला थोड़ा सा और यहां से डाल के इसमें ये कलर ऐसे बन गया भाई, जूस बन गया। बीमार आदमी को पिलाना है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, लो जी, कर पेगा भाई जूस, बता तो दे। 100 रुपये का। अच्छा, यो गिलास है भाई 100 रुपये का। अच्छा, अरे यो गिलास कितने का है? 60 रुपये का। अच्छा, यो गिलास है 60 रुपये का, यो गिलास है 100 रुपये का। लो भाई, बहुत बढ़िया, अपने दही बन गई। हाथा का रंग नहीं उतरेगा शायद, मेरे ख्याल में 8-10 दिन तक ना भी उतरे और उतर भी जावे। तो ऐसे ये होता है अनार का जूस भाई साहब। तो बढ़िया बात, अपने घर पी लिया करो, बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, आपने देखी इस वीडियो को, इस वीडियो में उस व्यक्ति ने कैसे केमिकल मिलाकर हम लोगों को ज्यादा बीमार करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, हमें सतर्क रहना है, हमें देखना है कि हम जो अनार का जूस या किसी भी प्रकार का जूस या कोई भी चीज खा रहे हैं उसमें कोई केमिकल का मिलावट तो नहीं उसमें है क्या। इस चीज की जांच पड़ताल करने के बाद ही हमको उस चीज का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए जय सियाराम।